हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें दो प्रकार के अक्षर होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। पिछली बार आप लोगों ने स्मॉल लेटर्स के ए से एम तक फोर लाइंस के माध्यम से अक्षरों को लिखना सीखा था। आज हम लोग एन टू जेड लेटर्स स्मॉल में लिखना सीखेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम ए टू जेड एक बार फिर से रिवाइज कर लें। बेटा आप लोग जोर से बताइएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग बिना रुके हुए बहुत अच्छे से सारे अल्फाबेट्स बोल लेते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन अक्षरों को लिखना भी सीख लिया होगा। अंग्रेजी भाषा में फोर लाइंस का बहुत महत्व है, ये आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे। कैपिटल लेटर्स तो फिर भी हम लोग फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करके थर्ड लाइन तक में यूज कर लेते हैं, मगर जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको हम बिना फोर लाइंस के नहीं सीख सकते हैं। ए टू एम अब आप सीख ही चुके हैं। मैं चाहती हूं कि आज आप फिर से अपनी फोर लाइन शीट्स लेके बैठिए और मेरे साथ एन टू जेड लिखना सीखिए। पिछली बार जब हम लोग लिख रहे थे तो मैंने आपको कैपिटल लेटर भी लिख के दिखाया था और उसके बाद ही आपको सिखाया था कि स्मॉल में आप कैसे लिखेंगे। जब हम कैपिटल एन लिखते हैं तो इस तरह से हमारा हाथ चलता है। अब आप लोग आज कौन सा लेटर सीखेंगे? एन, स्मॉल फॉर्मेशन, स्मॉल लेटर। अब आप हमारे साथ लिखिए बेटा, पहले एक बार आप देख लीजिए ऐसे और ये, फिर से एक बार ऐसे ये और इधर। आप लिखिए हमारे साथ, एन फॉर क्या होता है? नेब। नेब, एन फॉर नेस्ट भी होता है। एक बार और इसको लिखना सीखिए, इधर नीचे फिर ऐसे, लिखा आपने। अब हम लिखेंगे ओ, एन के बाद क्या आता है? ओ। जो कैपिटल होता है वो हम फर्स्ट से लेके थर्ड लाइन तक लिखते हैं और स्मॉल एन स्मॉल ओ। एन अभी आपने ऊपर देख लिया, ये सारा ध्यान से देखिएगा बेटा, जो एन है वो भी दो लाइंस में यूज हुआ है, ओ भी हम सिर्फ ये दो लाइनों का प्रयोग करेंगे, स्मॉल ओ। जैसे एन बनता वैसे एन। हाँ, अभी तो हम लोग ओ लिख रहे हैं ना, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार और लिखिए ओ। ये भी सिर्फ दो बीच की लाइनों का यूज होता है, इसीलिए बार बार मैं आपको बता रही हूं कि स्मॉल लेटर्स को लिखने में सबसे ज्यादा फोर लाइंस का महत्व है। अब नेक्स्ट क्या अक्षर आता है? एम एन ओ पी, पी कैपिटल पी हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके। हाँ। ठीक है, स्मॉल पी आप ये और ये, देखा आपने, ये सेकेंड लाइन से लेके इसी को वापस इधर पे ही रख कर लीजिए और ये गोल, ये फिर से एक बार और दोहराइए मैम के साथ, ये पी, पी के बाद एल, पी के बाद एल, पी के बाद क्यू। ठीक है, क्यू, क्यू जब हम कैपिटल लिखते हैं तो ऐसे था ना, क्यू, जो क्यू, अब बहुत ध्यान से देखिए, क्यू स्मॉल पी आपका इधर से ऐसे जाता है, क्यू स्मॉल ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, क्यू। ठीक है, आप क्यू के बाद आर, आर कैपिटल आर हम कैसे लिखते हैं, ये
आर, ये तो कैपिटल हो गया। स्मॉल आर, ये देखिए बेटा फिर से बीच की दोनों लाइनों को ऐसे फिर वापस ले जाके ये हल्का सा ये चीज जो है एक लाइन बनाई, फिर यहां से ऐसे एक बार और मैम के साथ बनाइए, फिर ऊपर ले जाएंगे इससे। बना रहे हैं? वेरी गुड। ये ठीक है। आर के बाद एस, एस फॉर सन, सन, एस फॉर शिप, आप देखिए एस फॉर स्टार, एस फॉर स्टार। आप देखिए एस जब आप कैपिटल बनाते हैं तो फर्स्ट मोड़ा देन थर्ड लाइन तक, याद है प्रैक्टिस की थी ना घर पे जाके, ठीक है। अब जो स्मॉल एस होगा आपका वो फिर से इन दो लाइनों के बीच में, स्मॉल लेटर्स ज्यादातर बीच की दोनों लाइनों में ही लिखे जाते हैं, ये एस ऐसे ही है लेकिन दो लाइनों के बीच वाली लाइनों के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद टी, एस के बाद टी, टी, ठीक है। कैपिटल टी जब हम बनाते हैं स्ट्रेट लाइन और ये, अब जब हमको स्मॉल बनाना है ध्यान से देखना बेटा, हम फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक आएंगे और ऐसे एक टर्न ले लेते और ये देखा, एक बार और बनाइए थर्ड लाइन तक लाके हल्का सा टर्न बीच में कट, एक बार और दोहराइए ये इधर, वेरी गुड। और एक बार और लास्ट टाइम ये देखिए टी, टी के बाद यू, यू, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ओके, जब हम कैपिटल यू लिखते हैं तो कैसे फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड तक फिर ऐसे मोड़ लेते हैं ना। अब इसको क्या करना है, ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर मैम ने बताया ना ज्यादातर कौन सी लाइनों के बीच में होते हैं, बीच की दो लाइनों के बीच में ना, ये देखिए यू, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कोशिश करा करो कि हाथ ऊपर नहीं उठाना पड़े, जितना हो इकट्ठा एक से साथ लिख के ही तब हाथ उठाए, ठीक है बेटा, उससे नीट राइटिंग आती है आपकी। यू के बाद वी, वी, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, कैपिटल वी हम कैसे लिखते हैं, ये आपको अगर कैपिटल आता है तो बहुत आसान है स्मॉल वी। अब वी में क्या करेंगे, फिर से बीच की दोनों लाइन में छोटा सा वी, ये देखिए ये हो गया ना, इजी है, इजी है कि नहीं बताइए। यस मैम। बस बेटा प्रैक्टिस करिए आप, मैम जब सिखा दे उसके बाद आप खूब प्रैक्टिस करिए और सुंदर सुंदर लिखने की आदत डालिए। वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू जब कैपिटल लिखते थे तो हम लोगों ने क्या किया था, ये फिर ऐसे ले गए थे, ये डब्ल्यू बनाया था। अब देखिए स्मॉल में ये पता बीच की दो लाइन में इधर इधर ऐसे ये फिर से डब्ल्यू फॉर क्या होता है, डब्ल्यू फॉर वॉच होती है, वॉच मतलब क्या होता है, वॉच का मतलब क्या होता है, घड़ी, डब्ल्यू फॉर वॉच। हाँ इधर सही देख रहे हो, घड़ी, ठीक है। ये कैपिटल हो गया, ये आपका स्मॉल हो गया। अब एक्स, जब कैपिटल एक्स बना रहे हैं तो ऐसे क्रॉस करते थे ना हम लोग, याद है? Yes. अब हम लोग स्मॉल बना रहे हैं, मल्टीप्लाई का बोल, एक्स, ये देखिए छोटा सा एक्स फॉर क्या होता है, एक्स फॉर एक्सरे, एक्सरे, और एक्स फॉर एक्समेस्ट्री भी होता है ना, ठीक। ये देखिए छोटा छोटा सा बीच की लाइन में वैसे ही बनेगा, बस बीच की लाइन में। अब उसके बाद एक्स के बाद वाई, वाई जब हम लोग बड़ा कैपिटल वाई बना रहे थे तो कैसे ऐसे करते थे ना, है ना, ऐसे किया था। अब देखना इसमें वाई में सेकेंड लाइन से शुरू करेंगे और लास्ट लाइन तक जाएंगे, ये ठीक है, ये वाई, इसमें एक बार और दोहराइए, ये देखिए वाई,
नीचे की लाइन में टच करना है। अब Y के बाद yes. Z, Z फॉर क्या होता है? जेब्रा। जेब्रा होता है। जब हम कैपिटल Z लिखते हैं तो फर्स्ट लाइन से लेके यहाँ फिर टर्न, ये है Z, ऐसे लिखते हैं कैपिटल। स्मॉल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे बीच की दोनों लाइनों के अंदर ऐसे ही Z बना देंगे। ये देखो, देखा आपने? आज आपको आसान लग रहा होगा ना सीखना? अच्छा सा, क्योंकि कितनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ना बीच की लाइनों में लिखना। और बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइन के बाहर नहीं, गंदा गंदा नहीं। ये नहीं कि यहां से शुरू कर रहे हैं ऐसे, ये सब ये इतना नीचे, ये लंबी निकल रही, ऐसे नहीं। सुंदर सा लिखो, धीरे से ऐसे करके आप लिखेंगे, टर्न किया इधर से। किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसको प्रैक्टिस करें, हम उसको बार बार दोहराएं। अभी तक आप लोगों ने ए से लेके जेड तक कैपिटल सीख लिया था। पिछली बार हम लोगों ने आपको ए से एम तक भी सिखाया था और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इसको घर जाके प्रैक्टिस की होगी। अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं हमेशा कहती हूँ तुम लोगों को। आज भी मैं यही कहूंगी कि सीख के कॉपी किताब को बंद करके घर में रख देने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आपने इसे सीखा है, कोशिश कीजिए कि रोज कम से कम एक बार इन सारे अल्फाबेट्स को एक बार कैपिटल में और एक बार स्मॉल में लिखने की कोशिश करें।